खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस के आरडी कन्या महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचप्रण की शपथ हेतु जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता चौधरी रही मौजूद। हाथरस द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोदी जी के जो 5 प्रण हैं, मोदी ने जो 5 प्रण लिए हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी विभिन्न वक्ताओं द्वारा। यहाँ जो इस कॉलेज की 5 बच्चियाँ हैं, उन्होंने अलग अलग अपने एक एक प्रण के ऊपर अपने चर्चा की थी, उसके बारे में लोगों को बताया था। और यहाँ के जो लेक्चरर हैं उन्होंने भी 5 प्रण के बारे में सभी युवाओं को बताया था। मेन उद्देश्य ये है कि जो मोदी जी की प्रण है, जो मोदी जी चाहते हैं कि हमारा 2047 में भारत कैसा हो, विकसित हो, विकास हो भारत का, उस विकास के लिए युवाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा महत्व था, वो आयोजन का उद्देश्य था कि इन बच्चों को बताया जाए कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ें, क्या क्या कर सकते हैं भारत को विकसित बनाने के लिए। उसी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और बच्चों को बहुत सारी जानकारी दी गई है यहाँ पर। उसमें ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा नेहरू युवती संगठन नवीपुर के माध्यम से कराया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम उषा सक्सेना। सबसे पहले तो मैं TV30 वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, अपने शुभम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हर जगह पकड़ लेते हैं और कवरेज लेते हैं। और ये एक जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान है कि जिससे हम समझ पाते हैं, आपके थ्रू ही हम अपना संदेश जनता तक पहुंचा पाते हैं। आज का कार्यक्रम माननीय हमारी दिव्या शर्मा जी, जो जिला युवा अधिकारी हैं, और उषा शर्मा जी के तत्वाधान में हुआ। उन्होंने हमें बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से यहाँ बुलाया, उन्होंने तो माननीय सांसद जी के लिए भी बोला, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जो सहभागिता रहती है वो वाकई तारीफ़ काबिल होती है, बहुत सराहनीयपूर्ण होती है। जब हम देश के लिए जन जन जागृत नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आज की चर्चा का विषय यही था कि आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है उसके 75 वर्ष तो हमने पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसके लिए आने वाले समय के लिए हमने पंच प्रण की जो शपथ लेनी है और उसके लिए जो आगे कार्य करना है, उस विषय पर बेटियों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर आज परिचर्चा होनी थी। उस चर्चा में हमने भाग लिया, जो पंच प्रण है उनकी शपथ ली जाएगी और उन पंच प्रण के बारे में बेटियों ने अपने अलग अलग विचार रखे, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया। तो नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में नेहरू युवती संगठन की जो अध्यक्षा है हमारी प्रियंका गुप्ता जी, वो भी यहाँ विराजमान है, तो उन लोगों के तत्वाधान में ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में 2047 हमारा देश कितना विकास करेगा उस पर लेके भी चर्चा है। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहे।